हेलो दोस्तों, माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे ETFs का पोर्टफोलियो बना सकते हैं और ETF के पोर्टफोलियो के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के कंपैरिजन में। दोस्तों, इससे पहले हमने ETFs पर कई वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसमें हमने ETF क्या होते हैं, ETF के टाइप कितने होते हैं उन पर बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ETFs का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ETF किसे कहते हैं। दोस्तों, ETF एक स्टॉक्स की बास्केट होती है जो कि स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होती है डेली मार्केट आवर्स में, और आप उन ETFs को स्टॉक ब्रोकर की मदद से बाय या सेल कर सकते हो। दोस्तों, ETF इंडेक्स फंड की तरह होते हैं जो कि एक बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक करता है और उनका पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है। उसी तरह ETFs एक बास्केट होती है कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स की जो कि एक इंडेक्स में होते हैं, लाइक निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 स्टॉक्स हैं। तो निफ्टी 50 ETF है, उसमें 50 स्टॉक्स की एक बास्केट ट्रेड होती है, लाइक निफ्टी 20। निफ्टी 20 पर हमने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान दें कि हमें ETFs का पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ETF के पोर्टफोलियो से। दोस्तों, सबसे पहला एक बेनिफिट होता है कि ETFs हमें इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमें एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बजाय हमें अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स की एक बास्केट मिलती है। जैसे वॉरेन बफेट जी कहते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो उसी तरह हमें एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बजाय हम पूरी बास्केट को बाय कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड बेनिफिट, ETF एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को एकदम ख़त्म कर देता है। एक आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी कंपनी हो सकती है, और उस कंपनी में कुछ मैनेजमेंट में चेंज होता है जिसके कारण उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को अफेक्ट करने लगता है। इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बजाय अगर आप ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, ETF की पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक कंपनी जो होती है उसके रिस्क से आपको बच सकते हैं। ETFs की मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत ही कम होती है। अगर आप किसी और म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें वो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होते हैं, तो फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा चार्जेस होते हैं। बट ETF होता है एक बेंचमार्क इंडेक्सेस को ट्रैक करके एक बास्केट पूरी ट्रेड होती है स्टॉक मार्केट में, तो उसमें ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं होती, सिर्फ आपको जो बाय सेल का जो ब्रोकरेज है वो पे करना होगा और कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करने होते ETFs में, और ईजी टू ट्रैक करना होता है, आप उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस चल रही है, कैसे उनके रिटर्न्स हैं, आप तुरंत अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को ओपन करके देख सकते हैं। हमने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि NSE का जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसका ETF का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 1,00,000 करोड़ को पार कर गया है। तो दोस्तों, ETFs की तरफ काफ़ी इन्वेस्टर्स का रुझान हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हम ETFs के पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होता है ETFs का पोर्टफोलियो बनाने का, वो है राइट एसेट एलोकेशन, यानी कि आपको एसेट क्लास चूज करना होता है कि आपको इक्विटीज़ में कितना इन्वेस्ट करना है और डेट में कितना इन्वेस्ट करना है या कमोडिटीज़ में कितना इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, एसेट एलोकेशन के लिए हम बेंजामिन ग्राहम जी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि उन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बताया था। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की सभी चैप्टर्स की समरी हमने बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम जी का फॉर्मूला था एसेट एलोकेशन से रिलेटेड कि आपको अगर चूज़ करना है कि हमें इक्विटीज़ में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप सिंपली 100 में से अपनी एज को माइनस कर दीजिए और जितना आंसर आता है उतना आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कीजिए और बाकी डेट में इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, रीज़न बहुत ही सिंपल है, जिसकी एज अभी 25 या 28 के बीच में है ज़्यादा रिस्क ले सकता है और इक्विटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि एक रिस्कियर ऑप्शन होता है क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन होते रहते हैं, और जो कि ज़्यादा एज ग्रुप वाले लोग हैं उनके लिए एक सेफ्टी एक कंसर्न होता है, तो उन्हें ज़्यादा स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन ना देखनी पड़े, इसलिए उन्हें बॉन्ड्स में भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या गोल्ड में, और इक्विटीज़ में कम वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ अभी आपकी एज 25 इयर्स है, तो आप 100 में से 25 को माइनस कर दीजिए तो आएगा 75, तो आप 75% जो भी आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उसे इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कीजिए और बाकी आप डेट
और कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों डेट में आप बॉन्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटीज़ में आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अपना परसेंटेज चुनने के बाद कि आप कितना इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लाइक हमारे एग्जांपल में 75% हम इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 75% फंड्स का इस्तेमाल करके हम अलग अलग ETF को चूज़ कर सकते हैं, लाइक निफ्टी 50 इंडेक्स का ETF है, निफ्टी 20 या अलग अलग जो फंड हाउसेस हैं मैनेज करते हैं, सेंसेक्स ETF है, अदर सेक्टोरियल ETFs हैं लाइक बैंक निफ्टी का ETF, IT ETF, फार्मा ETF। एंड दोस्तों आप इंटरनेशनल ETFs भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक नैस्डेक 100 ETF जो कि नैस्डेक 100 इंडेक्स का ETF है और इसे आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नैस्डेक 100 के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा नैस्डेक 100 वाला वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों ये सिंपल सी स्ट्रेटजी आप फॉलो करके ETFs का पोर्टफोलियो बना सकते हैं और मार्केट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है या सुझाव होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू। जय हिंद।